नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त सखा में तो जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज का, क्योंकि आपको मैंने एक बार आपको याद होगा बताया था कि 47 जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं वो पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के पैसों को मेंटेन कर रहे हैं आपके। बाकी आप बोलोगे 47 ही कैसे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो नामचीन हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपना काफी ज्यादा टाइम एक्सपीरियंस और एफर्ट लगाया हुआ है और इनकी कभी भी कार्य कुशलता पर, इनकी जानकारी पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा पैसा ये लोग मैनेज करते हैं और काफी ज्यादा इनको नॉलेज है, ये बात आप मान लीजिए। और मैं हमेशा एक बात बताऊं कि हमेशा मैं इनके ट्रेंड को फॉलो करता हूं। ट्रेंड को फॉलो कैसे करता हूं वो बातें आप लोगों को जरूर मैं बताता हूं। इनके ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आखिर में म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनका रुझान किधर की तरफ जा रहा है, आपके फंड का इनफ्लो किधर जा रहा है, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसको देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप की, मिड कैप की और ऐसे सेगमेंट की कि जिसमें जब ये ऐसा क्राइटेरिया है ये तकरीबन हर पोर्टफोलियो में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आदमी जब शुरू करता है वो लार्ज कैप से शुरू करता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और रिस्क लेता है, फिर वो लेता है, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने फंड में जरूर जगा देता है। और मेरे जैसा आदमी आपको हमेशा सलाह देता है कि भाई मेरे एक फ्लेक्सी कैप फंड, खिचड़ी फंड जरूर रखो, क्योंकि ये तकरीबन मिड कैप के आसपास रिटर्न दे देता है। जी हाँ दोस्तों, वहां पर मैं आपसे बात करूंगा आज कि इनका जो आज के टाइम पर एलोकेशन जो बढ़ा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप को मैं क्यों फॉलो, क्योंकि आपके उसमें पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी है, मेरे ख्याल से लार्ज कैप को हटा दो, फ्लेक्सी कैप तो है ही है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या एकाध सेक्टर या थेमेटिक फंड है। अब इनफ्लो आपको पता ही है कि तकरीबन 21,000 करोड़ से ज्यादा आज के टाइम पर आपका पैसा जो है वो हर महीने एसआईपी के रूप में आ रहा है। बाकी जो गिरावट में लमसम आता है उसकी तो कहानी ही अलग है। 80,000 करोड़ रुपया मैंने आपको बताया था कैश लेकर के आपके फंड मैनेजर बैठे थे, कल जैसे एफआईआईज ने, जब एफआईआईज ने अपनी पोजीशन छोड़ी है तुरंत उसके बाद में आपके फंड मैनेजर ने वहां पर जगह बनाई है। तो आज का जो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये मैंने इस बार जो मेरे को हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी जो गिरावट आई थी चंद दिन पहले, जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था आपको याद होगा, तो वहां पर मेरा फंड है। वैसे मैं फंड्स को रिवील नहीं करता हूं, किसी भी फंड का प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पर मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज के लिए इसको बनाता हूं, तो मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप लोग उसके हिंट से समझ सकते हो। 2020 में उस फंड ने काफी अच्छा फंड है और उसके बाद में वो अच्छा था भी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप ने उस समय जब रोका था तो इन्होंने भी क्या किया, अपने एसआईपी और प्लस लमसम को तो बिल्कुल ही रोक दिया, एसआईपी पर लिमिट रखा दिया 2020 में अक्टूबर नवंबर के आसपास, वहां पर इन्होंने केवल लिमिट रखा 2,500 रुपए की। आप मानेंगे नहीं, 2,500 रुपए की केवल एसआईपी की लिमिट रखी इन्होंने, जबकि 25,000 रुपए की स्मॉल कैप में एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में रखा था। उसका रीजन इन्होंने दिया कि भाई मेरे जितना मेरे पास एयूएम हो गया है वहां से ज्यादा मेरे को मैनेज करने में दिक्कत आएगी और मेरे फंड की परफॉर्मेंस खराब होगी। ठीक है, उसके बाद में वहां से लेकर के तब जाकर के 2023 में इन्होंने अपनी लिमिट को, एसआईपी लिमिट को इन्होंने क्या किया, आपके बढ़ा दिया 25,000 रुपए, 25,000 बढ़ा दिया, लेकिन मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है मेरा ठीक ठाक जा रहा था, चल जाएगा। उसके बाद में अचानक इन्होंने क्या किया, 2024 में अपने फंड के सारे जो लॉक्स इन्होंने लगाए थे, जो इन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, मैं बिल्कुल आम भाषा में आम वर्ड यूज करूं, तो उन्होंने इसको ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद में लमसम भी खोल दिया, एसआईपी की भी लिमिट हटा दिया। फिर मैं चौका में बोला है आखिर ऐसा क्यों, जबकि वो लार्ज एंड मिड कैप था। फिर अचानक लेकिन क्या हुआ, मैंने उसकी स्टडी नहीं किया। फिर उसके बाद में जब उसकी मैंने एनालिसिस किया, स्टडी किया, उनके सीईओ का इंटरव्यू देखा, तो वहां पे मैंने देखा यार ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। अब मैं फिर उसके बाद में दो दिन तक आप लोगों से इस बात को शेयर नहीं किया कि यार हमने तो इस गिरावट में
हालांकि मैं वैसे डाइवर्सिफाई करके चलता हूँ, सब में उतना ही एलोकेशन उसमें करता हूँ, उतना उसमें चार पांच ही तो मेरे पास फंड है, तो मतलब जो है अभी अब छह हो गए हैं, लेकिन उसमें से पांच में ही लमसम करता हूँ, एक में अलाउड नहीं है। तो अब जब मैंने उसको डीप एनालिसिस गया उसके बाद में, तो देखा यार इन्होंने तो इनका क्या था एलोकेशन क्या था, उसमें 35-35% का एलोकेशन था, 35% उसमें लार्ज कैप था, 35% मिड कैप था, और उसके बाद में बाकी रेस्ट इनका कुछ स्मॉल कैप था और कुछ अदर कैटेगरीज के, तो कुछ एक कैश लेकर के चल रहे थे। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। तो मैंने बोला वाह यार ये तो बढ़िया फंड है, 35% लार्ज कैप है, 35% मिड कैप है, उसके बाद में स्मॉल कैप है, तो यस द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अब जब मैंने देखा अरे यार इन्होंने तो 51% लार्ज कैप कर दिया, और मैंने अच्छा खासा अभी आपको बताया था कि वो लगा दिया, चंक लगा दिया, इसका ओपन हुआ था, मैं बोला यार मेरे को द बेस्ट फंड में मेरे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने तबाह करके पैसा लगाया। जब मैंने देखा कि यार 51% इन्होंने कर दिया, तो फिर मेरा माथा कहीं ना कहीं घूमा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको पता ही है कि एक तरफ आपका दिमाग कहाँ जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, एक तरफ आपका दिमाग कहाँ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो मैंने बोला यार कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने ये किया था कि, लेकिन पॉजिटिव हमेशा बार बार बोल रहा था यार, 2020 से लेकर के कितने सारे इनके पास मौके थे, 2022 में इनके पास जबरदस्त मौका था जब पूरी मार्केट ओकर रही थी, तो ये चाहते तो उस समय भी ओपन कर सकते थे, इन्होंने उस समय भी बंद रखा, इन्होंने वो किया है। तो यार फिर उसके बाद में आज मैं निकला फिर बाइक राइड पे निकला तो तकरीबन कम से कम 15 किलोमीटर से ज्यादा चला गया, और वहां पर जाकर के फिर मेरे को आया कि यस निफ्टी की जो वैल्यू है ना, निफ्टी की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी मतलब मार्केट की बात बोल रहा हूं, अब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आप जानना। तो निफ्टी की जो वैल्यू है इस समय, पी की वैल्यू, वो इस समय काफी अट्रैक्टिव है, कोई भी उसमें ओवर वैल्युएशन नहीं है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इस समय थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इसको आप भी डिनाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें भर भर के पैसा आया है। आज के टाइम पर तकरीबन आप अगर एनालिसिस करोगे तो 20-25 ऐसे कंपनियां हैं स्मॉल कैप की जिनको फंड मैनेजर ने अवॉइड कर दिया है, आज की डेट में उनके शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो आने वाले समय पर कहीं ऐसा ना हो, अगर इतने बढ़िया फंड मैनेजर ने, अगर इतनी बढ़िया एएमसी ने, अगर इतना उनके पास अगर ऑप्शन है, उन्होंने एक बिल्कुल क्राइटेरिया रखा है, भाई मैं 35% इसमें करूंगा, 35% उसमें करूंगा, प्लस मैं अपना 30% जहां पे मेरा मन करेगा वहां करूंगा, वो तो है कैटलॉग है उनके पास ऑप्शन है। तो तब जा करके मेरा दिमाग कौदा यार यस मेरा डिसीजन तो बिल्कुल सही था। अब मैंने फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन किया, फिर उसके बाद में ये वाला फंड जो लार्ज एंड मिड कैप था, इसके बाद में इसका एलोकेशन था, उसके बाद में कुछ आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में था। तो फिर मैं चौड़ा हुआ, उसके बाद में मैंने स्पीड बढ़ाई बाइक की, और फिर आकर के पहुंचा हंसता हुआ। मैं बोला यार कहीं ना कहीं आदमी को गलत समझने से पहले, किसी को भी गलत समझने से पहले, कहीं ना कहीं तो यार दिमाग में तो आया था। फिर मैंने अपने सर को झटका, मंदिर आया था एक, वहां पे हाथ जोड़ा। हमेशा उस चीज को सोचो कि कभी भी आदमी अपने नाम को खराब नहीं करना चाहेगा, ना खुद के नाम को खराब करना चाहेगा, ना ही वो अपनी संस्था के नाम को खराब करना चाहेगा, जो टॉप का फंड मैनेजर होगा वो। हाँ, जो बिचौलिया होगा, जैसे मतलब लोअर तबके का आदमी होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन चली गई, या उस लेवल का होगा जिसको कि सेचुरेशन नहीं मिला है, तो वो ग्रीड में आकर के या लालच में आकर के या उसमें आकर के वो चाहे जो गलत काम करे, बाकी मेरे ख्याल से नहीं करते। तो अब इससे सीख आपको क्या मिलती है, आपने ये बात क्या बतानी है, वो आपको क्या बात बतानी है, वो मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने ये बात बतानी है कि आपके पास जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है ना, अभी के समय में जब भी आपको लमसम का मौका मिलेगा तो आप वहां पर थोड़ा सा, अगर आपका लार्ज कैप फंड है तो लार्ज एंड मिड कैप है, सॉरी लार्ज कैप ही केवल नहीं, क्योंकि लार्ज कैप का मैं थोड़ा सा हिमायती नहीं हूँ, दोनों का टेस्ट लेकर के चलना उचित होता है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में जितने वीडियोस मैंने डाले हैं, अगर आपने इनको देख लिए होंगे तो मैं सही बता रहा हूँ कि आप दूसरे को भी समझाएंगे, आप जितने मैंने डाले हैं अगर आपने इसको सही तरीके से देख लिए होंगे, बड़ी मेहनत करके मैंने इन चीजों को डाला हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप लार्ज कैप के भरोसे पर नहीं रहेंगे, आप अपने जो एक डाइवर्सिफिकेशन का
क्राइटेरिया होता है ना, लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई, मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे पूरे वीडियोस को देख करके और सही तरीके से आप अपने आप को एलोकेट करोगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट फंडा आप अपना करके जाओगे, अच्छी खासी प्रॉफिट लेकर के जाओगे। और मैंने तो मांगा हुआ 10 साल, लेकिन उस 10 साल में आपको ये रिनोवेशन जरूरी है। जब मेरे को ऐसा लग जाएगा कि नहीं यार इस इंडाइसेस में अभी जाने की जरूरत है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप है या आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो आप वहां पर थोड़ा सा लंप जो SIP जा रही है STP जा रही है उसको जाने देंगे आप। ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, SIP और STP का कोई भी टाइम नहीं होता है, चाहे वह हाई राइज मार्केट हो चाहे उसके बाद में डाउन मार्केट हो, आपका रूपी कास्ट एवरेज हो जाएगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आप बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जहां पर आप अगर लमसम कर रहे हैं, तो इस समय आपके फंड मैनेजर्स, वो भी टॉप के फंड मैनेजर्स जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो आप उनको जरूर अपनाएंगे, खास करके लमसम के टाइम पर। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगला टिप आपको जब भी मिलेगा, जल्दी मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी अगस्त में ऑल टाइम हाई टच करने के बाद मार्केट आपको फिर इन्वेस्टमेंट का मौका देगी, उसके बाद में तब जाकर के ये फिर आगे जो मूव करेगी। तो ये मेरा अपना आकलन है, बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप लोगों को कितना मेरे ऊपर जो अपना भरोसा है वो आप लोग जानो। लेकिन मेरा हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं एक आध बार मैं भी हो सकता हूँ गलत, लेकिन ये है कि उम्मीद तो नहीं है कि गलत होऊंगा। तो आप इन फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अपने लमसम के टाइम पर जरूर करेंगे, और उस समय आप अपना वो लमसम का एलोकेशन उस साइड में उस दिशा में जरूर बढ़ाएंगे जहां पे ये फंड मैनेजर जा रहे हैं। अगली जब स्ट्रेटेजी होगी तो जरूर आपको मैं कॉल दूंगा, आप ऐसे करना। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही यूजफुल वीडियो, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तभी जाकर के बात आपकी समझ में आएगी, नहीं तो ये बात फिर हवा में उड़ जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन वीडियोस को हमारे पूरे के पूरे सब्सक्राइबर्स ने व्यूअर्स ने देख लिया होगा या देख रहे होंगे, तब जाकर के उसके बाद में कोई डिसीजन लेंगे। हाँ, कभी कभी कोई कोई बात ऐसी हो जाती है जो कि थोड़ा सा पेचीदी हो जाती है, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी पेचीदी हो जाती है वो, क्योंकि अभी क्या है भाई, मेरे को भी कम से कम अगर ये एजुकेशनल वीडियो है तो मैं एजुकेशन पर्पज के लिए ही डाल सकता हूँ, तो उतना उसके बाद में समझदार को इशारा काफी होता है। अब आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं फुल्ली कभी भी लार्ज कैप की तरफ जाने के लिए नहीं बोलता हूँ। लार्ज एंड मिड कैप है बिल्कुल चलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक आध फंड आया हुआ है, नहीं तो फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड है, मल्टी कैप भी आप ले सकते हो वो भी चलेगा, स्मॉल कैप आपके पास सही है तो आगे का फिर उसके बाद में देखते हैं। और क्वेरीज, कल संडे है तो संडे के दिन में क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगा, मैक्स टू मैक्स क्वेरीज को कवर करूंगा, और कमेंट और क्वेरीज आप लोग जारी रखें, क्योंकि जब भी मेरे को मौका मिलता है तो पक्का मैं सबकी क्वेरीज को कवर करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतनी मेहनत से जुटाई गई जानकारी, इतना मैंने पेट्रोल फूका है, टाइम फूका है, खुद के बारे में एनालिसिस किया है, तभी आपसे शेयर किया है, बिकॉज मैं आपको अपना परिवार ही मानता हूं। तो अगर अच्छी लगती है तो यार अप्रिसिएट जरूर करना, नहीं अच्छी लगती है तो भी बताना कि हमारे काम की जानकारी नहीं थी, ताकि मेरे को भी कुछ सीखने का मौका मिले कि आप लोग चाहते क्या है। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट आपकी एक ही है, अगर मेरी मेहनत आपको उचित लगती है तो रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।